सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार, आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज़ी। दोस्तों, लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस जो स्कैम चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेरी करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा और मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे मेल किया था, तो मैंने उनसे बात की थी। उनमें से एक मेरे व्यूवर हैं मिस्टर अनीस, उनसे बात हुई तो मुझे कुछ नई चीज़ पता चली इस स्कैम के बारे में, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सही बताऊँ तो जितनी भी पिछली वीडियोज़ थी उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो स्कैमर है वो आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिससे आपको ये लगे कि मेरी जो वीडियो वही फेक है, वो लोग सही है। तो क्या स्टोरी है वो मैं बताऊंगा, और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आप उनके चक्कर में फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ ऐसा स्टोरी था उनका कि उन्होंने बताया कि मैंने इसमें जैसे आपके पास आया था वैसे ही मेरे पास भी कॉल आया। मेरे KYC वगैरह होने के बाद मुझे वो भी APK फाइल जो होता है वो डाउनलोड कराया, और उसमें फिर मेरा जो है KYC करने के बाद उन्होंने मुझसे 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करवाया AEPS सर्विस के थ्रू। उनका भी एक CSC सेंटर है, वो भी CSC वाला काम करते हैं। तो ज़्यादातर ये स्कैमर उन्हीं को पकड़ रहे हैं जिनके पास CSC सेंटर ऑलरेडी है, क्योंकि मंत्रा जो CSC पर काम करता है उन्हीं के पास होगा और किसी के पास तो होगा नहीं। और ट्रांजेक्शन AEPS सर्विस का ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली मंत्रा होना चाहिए, तो उन्हीं लोग को पकड़ा जा रहा है और उन्हीं लोग के साथ ये स्कैम हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक CSC एजेंट होंगे। तो हुआ क्या, 1000 रुपये उन्होंने AEPS सर्विस किसी कस्टमर का AEPS सर्विस का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन कर लिया, और फिर इसके बाद उनको मूव टू बैंक करने दिया गया। मतलब वो 1000 रुपये जो हैं वो उस बंदे के मिस्टर रिनिस के बैंक अकाउंट में आ गया। अब उनको यकीन हो गया कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अब इस स्कैमर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब बाकी सर्विसेज अगर आप अनलॉक करते हैं करना चाहते हैं तो आपको 10000 तक का ट्रांजेक्शन करना होगा AEPS सर्विस के थ्रू अपने कस्टमर से। तो उन्होंने ये कर दिया, और जैसे ही 10000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया, अब वो जब विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो स्कैमर है वो कहता है कि आपको देखिए 1000 रुपये बोनस मिल चुका है और प्लस आपकी लिमिटेशन बढ़ा दी गई है, अब आपको इतने रुपए का अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन करना होगा। ये तो मुझे याद नहीं है कि मिस्टर रेनिस ने क्या बताया था। अगर मिस्टर रेनिस ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जाके बताइएगा कि नेक्स्ट लिमिटेशन का उनको कितना बताया गया है कि कितना तक करना है, तो मुझे ये याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर 10000 उन्होंने किया है तो डेफिनेटली 5 या 10000 का ही उन्होंने लिमिटेशन बढ़ाया होगा। तो उनको ये कहना था कि विड्रॉ आप तभी कर पाएंगे जब आप ये लिमिटेशन आप कंप्लीट करोगे, फिर आपका अनलॉक किया जाएगा। तो इस तरीके से जब उसको उन्हें बोला गया तो उनको डाउट हुआ कि ये तो कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने बताया कि लकली उनको मेरा ये वीडियो मिल गया यूट्यूब पर। तो उन्होंने जब सर्च किया इस कंपनी के बारे में, तो इस ऐप के बारे में, तो उनको मेरा ये वीडियो सजेशन में मिल गया। तो कहे कि आपका ये वीडियो मिल गया, अदरवाइज़ शायद मैं कर भी देता। तो अब वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि जो लोग ये सोचकर इस वीडियो को फेक समझते होंगे और उनको उनके ऐप को जेनून समझते होंगे कि नहीं मूव टू बैंक हो गया है, 1000, 2000 या 5000 जो भी उनका अमाउंट है, तो ये सोच रहे होंगे कि अभी सही है तो हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं, तो मत कीजिएगा। मिस्टर रेनिस एक लाइव एग्जांपल है और ये चीज़ मुझे पता चली तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कीजिएगा मत भरोसा करके, अगर आप मूव टू बैंक कर चुके हैं तो उतने पे ही स्टॉप कर दीजिए, और अगर आप सोचते हैं कि हाँ हम और लिमिटेशन जो बढ़ाई गई है उसको कर देंगे तो हमारा मूव टू बैंक हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस फेक ऐप को जितना हो सके इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वहाँ तक ये मैसेज पहुँच जाए और इन लोगों पर कार्रवाई, मेरे ख्याल से हमारे द्वारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं और उन अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचा पाते हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इन पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन में जाने पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उनको काम करना ही नहीं है। तो इसीलिए इन स्कैमर्स की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। तो देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचता है, क्या उन अधिकारियों तक पहुँचता है जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर कंटिन्यू मेरे स्क्रीन पर इन फ्रॉड्स का नंबर चल रहा है। और आपको एक खुशी की बात बता दूँ
कि इनका जो एक और एक नंबर था वो बंद हो चुका है, क्योंकि उस नंबर पे शायद आप लोगों ने इतनी कॉल कर दिए हैं कि अब वो नंबर जो है इनको बंद करना पड़ा। जो लेकिन जो मेन नंबर है ना, जो ये मेन स्कैमर है, उसका नंबर अभी तक चालू है, कंटिन्यू वो कॉल कर रहा है, हालांकि मेरा कॉल नहीं रिसीव करता। लेकिन आप लोग इस तरह इन नंबर्स को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इन्हें परेशान कर सके, ये किसी को कॉल ही ना कर पाए, ताकि जो बंदे नहीं जानते हैं, जो मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो लोग बचे रहें। तो इनको परेशान करें, कितना नंबर चेंज करेंगे देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको शेयर करना चाहिए जिससे इन स्कैमर को और भी ज़्यादा एक्सपोज किया जा सके, तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल आपके लिए स्वागत करता है आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके बारे में अगर कुछ और पता चलता है, कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर भी करनी है, जैसे मुझे लोग पूछ रहे थे कि क्या स्टेप फॉलो करें कि इनके ऊपर कुछ हम कार्रवाई कर सकें, तो ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो फ़िलहाल तो मैं भी अपना अर्निंग रोक के बैठा हूँ, कोई नया टॉपिक मेरा अनबॉक्सिंग बहुत सारा रुका पड़ा है इनकी वजह से। अब जब तक अपना पूरा मैं अपना जो जिम्मेदारी है पूरा नहीं कर लेता, मैं कोई और वीडियो नहीं बना रहा, इसी टॉपिक पर कंटिन्यू रहूँगा, मोनेटाइज नहीं करूँगा, ताकि आपका समय ना ऐड देखने में समय ना बेकार हो। और वीडियो को शेयर कीजिए हर उस बंदे तक जो सीएससी का काम करता है, ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।